सलमान खान की मूवी का ट्रेलर आया और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये ट्रेलर सलमान खान की मूवी का है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी जान जाओगे, लेकिन सबसे पहले आप ये बताओ कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। वीडियो को पॉज करके अभी कमेंट में बताओ। बता दिया, अब मेरी बारी है, मैं बताता हूँ। अब जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, सबसे पहले आपको बताऊँगा खराब बातें कि ट्रेलर में क्या अच्छा था, फिर मैं बताऊँगा आपको अच्छी बातें कि ट्रेलर में क्या अच्छा था। तो भैया कहानी कुछ ऐसे है कि सबसे पहले इस मूवी का गाना आया था, उस गाने में डांस कुछ ऐसे किया था जिससे सलमान खान की खूब मजाक उड़ी। उसके बाद में एक गाना और आया, सलमान खान ने लुंगी उठाई, लुंगी उठाते ही गाना वायरल हो गया, फर्स्ट ऑन ट्रेंडिंग पे रहा इंडिया में 6-7 दिन। इतना सब कुछ होने के बाद जब ट्रेलर आया तो ट्रेलर में सब कुछ ही दिखा दिया। मूवी के लिए कुछ सस्पेंस छोड़ना चाहिए था जो कि ट्रेलर में नहीं छोड़ा, बहुत सारी बातें उजागर कर दी। तो सबसे पहली बात मेरे को यही खराब लगी कि ट्रेलर में बहुत ज्यादा बातें दिखा दी हैं। दूसरी बात मेरे को ये खराब लगी कि सलमान खान जैसे बड़े स्टार की मूवी है तो हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि अगर कुछ दिखाया जाएगा तो यार इधर उधर से कॉपी नहीं की जाएगी। लेकिन आप ये सीन देखो, 400 साल पुराना एंटीक था। मुझे ऐसा लगा नया था। अब आपको नहीं लगता कि ये सीन आपने पहले कहीं देख रखा है या फिर कुछ सुनेला है? अभी बताता हूँ आपने कहाँ देखा, ये देखो। घड़ी कितने में पड़ेगी? अरे मेरे दादाजी के जमाने की थी। हाँ, भाव बचा है, महंगी नहीं पुरानी है, मैंने सोचा नहीं है। 50 साल की थी ये। अब बताओ यार, इतने खराब दिन आ गए हैं कि सलमान खान जैसे बड़े स्टार की मूवी कुछ ऐसे तरीके से कॉपी कर रही है। कारण क्या है इस कॉपी का, मैं बताऊँ आपको। डिस्क्रिप्शन में पहला नाम आएगा स्वराज समझी का, वही है इसके कारण। जब मैंने ये नाम पढ़ा तो मैंने सोच लिया था ज्यादा उम्मीदें नहीं लगानी है, जो भी ये दिखाएंगे हम देखेंगे क्योंकि सलमान खान बहुत दिनों बाद आ रहे हैं। तीसरी बात मेरे को इस ट्रेलर में जो खराब लगी वो ये कि सलमान खान की एक्टिंग अच्छी है लेकिन कई सीन्स में ऐसा लग रहा है कि कोई और बंदा सलमान खान जैसा बनना चाह रहा है। फिर भैया पूजा जी बकरी जैसी आवाजें निकाल रही हैं यार। पूजा को आप 3 मिनट नहीं झेल पाए, आपको लगता है कि आप 3-4 घंटे झेल लोगे। फिर ये मूवी है रीमेक, किसकी? वीरम की। और रीमेक का समय अच्छा चल ही नहीं रहा, बोला जैसे ही फिल्म कुछ खास नहीं कर पाई। सलमान खान की इससे पहले जो रीमेक थी अंतिम, वो भी पिट गई थी। अब इस मूवी से पता नहीं हम क्या ही उम्मीद लगाएं यार, इसमें फराद समझी ने काम किया है, मतलब सस्ती कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं ट्रेलर में मेरे को अच्छा क्या लगा। तो सबसे पहले मेरे को अच्छा लगा ट्रेलर में एक्शन सीन्स, सलमान खान ने बहुत अच्छे सीन दिए हैं। पहले वाले सलमान खान जो मार धाड़ करते थे वो हमको वापस देखने को मिलेंगे। एक्शन सीन्स बहुत अच्छे हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। एक ट्रेन से मारकर दूसरी ट्रेन में पहुंचा देंगे, आपको कुछ ऐसे सीन देखने को मिलेंगे। इसी वजह से दिमाग को छोड़कर जाना जब इस मूवी को देखने जाओ, बस इतना ध्यान रखना कि हमको तो भैया सलमान देखने हैं, मूवी चाहे कैसी हो। दूसरी मेरे को इस ट्रेलर में अच्छी बात ये लगी कि एक्शन भी दिखाया है, रोमांस भी दिखाया है, ड्रामा भी दिखाया, मतलब ठीक ठाक है सब कुछ काम। और सलमान खान ने मेहनत करी है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन सलमान खान को टीम का साथ ऐसा नहीं मिला जो मूवी में 4 चांद लगाता, और टीम की वजह से ही मुझे लगता है कि मूवी पिट सकती है। और तीसरी इस ट्रेलर में मेरे को ये बात अच्छी लगी कि आप अगर पैसे दे रहे हो सलमान खान की मूवी देखने के तो सलमान खान ने पूरी कोशिश करी है आपको मजे देने की। कैसे? सलमान खान बन गए हैं इस मूवी में ऑलराउंडर। कैसे? सलमान खान ने इस मूवी में एक्टिंग तो करी ही है लेकिन आपको एंटरटेन करने के लिए गाना भी गाया है और डांस तो किया ही है। पिक्चर के प्रोड्यूसर हैं सलमान खान की मम्मी सलमा खान, मतलब घुमा फिरा के यार प्रोड्यूसर आप सलमान खान को ही मान सकते हो। अब सलमान खान ने इतना सारा कुछ कर दिया और आपको क्या चाहिए। तो भैया ट्रेलर को देख के तो उम्मीद नहीं लगा सकते कि फिल्म अच्छी होगी, इसी वजह से सारी जिम्मेदारी आ जाती है स्टारडम के ऊपर। अब सलमान खान का स्टारडम ही है जो इस मूवी को पटक भी सकता है और उठा भी सकता है। तो आप बताना इस मूवी को देखने जाने वाले हो या फिर नहीं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी है ये भी बताना, और आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए ये भी बताना। थैंक यू।